अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एनसीपी के 21वें स्थापना दिवस पर जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े का दावा, मनपा में होगी महाविकास आघाड़ी की सत्ता, जश्न की बजाय जरूरतमंदों में बांटी गई मदद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सोमवार को 21वां स्थापना दिवस सादगी और सेवा भावना के साथ मनाया गया। जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े के जरिए नागरिकों को मदद और राहत सामग्री बांटी गई। वहीं सामाजिक उपक्रमों के तहत रक्तदान शिविर भी चलाए गए। जिलाध्यक्ष ने राका कार्यकर्ताओं को बल देते हुए कहा कि सुप्रीमो शरद पवार ने एनसीपी को जिस जनसेवा के मकसद से स्थापित किया वह आज तक कायम है और यही वजह है कि जनता ने 6 बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सत्ता दी। जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने बताया कि नई मुंबई एनसीपी पार्टी के लक्ष्यों को लेकर घर घर जा रही है और लोगों को सेवाएं और मदद देने में जुटी है। आइए आपको भी सुनाते हैं। एनसीपी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का 21वां वर्धापन दिन है और इस कोरोना के माध्यम से हमारे बूथ कमेटी से लेके प्रदेश कमेटी तक जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सहयोगी हैं हमारे, इन्होंने अच्छा तरीके से डोर टू डोर जाके लोगों को हेल्प करने का काम यहाँ किया है। जो जो भी उसमें फिर अनाज है, सब्जी है, फ्रूट है या कोई दवा है, ये देने का हमारा काम ग्राउंड लेवल तक चालू है और इसी सिलसिले पे कोरोना के ऊपर आपको मात करना है, विजय प्राप्त करना है और वही दिशा से आज तो हमारे सामने एक ही सब्जेक्ट है, हमारा पार्टी मजबूत करने का और मजबूती जो पार्टी है उसका विनियोग जो है वो पब्लिक को होना चाहिए, नागरिकों को होना चाहिए और ये कोरोना के संकट में जो भी नागरिक आज फंस गए हैं उनको हेल्प करना ये हमारा पहला फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने यह भी कहा कि गणेश नाइक के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीते विधानसभा चुनाव में नई मुंबई की जनता ने दिखा दिया है कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। अशोक गावड़े ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी ने महानगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति तय कर ली है और 80 से अधिक सीटों पर जीतकर मनपा में सत्ता हासिल करेगी। इस दौरान निवर्तमान नगर सेवक संदीप सुतार एवं राष्ट्रवादी यूथ विंग के प्रदेश सचिव गौतम आगा भी मौजूद थे। नई मुंबई के अंदर आदरणीय गणेश नाइक साहब ने हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को और हमारे पार्टी को फंसाया है, जानबूझ के दगाबाजी किया है, इसलिए मैं उनका पहला निषेध करता हूँ। अगर उनको जाना ही था, अगर वो पहला समझ के जाता था तो हमारा पार्टी कोई कमजोर नहीं होता था और आपने जो विधानसभा का इलेक्शन देखा होगा तो हमारा पार्टी किधर भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में खाली 15 दिन था तो वो इलेक्शन में बेलापुर मतदार संघ से मैं खुद अशोक गावड़े खड़ा था, आयरोली से गणेश शिंदे खड़े थे और यहाँ 15 दिन के अंदर हमारे दोनों मतदार संघ में 80,000 के लगभग वोटिंग गिरा है, तो हमारा पार्टी किधर भी कमजोर नहीं है, खाली थोड़ा सा फेरफार हुआ है और उस टाइम से आज तक हमने बराबर उसको बनाया है, इसलिए आगे कभी भी इलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ दोनों मतदार संघ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी वोटों से जीत के आएगा। नई मुंबई में राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या हमारे अन्य मित्र पक्ष हो, इनको सबको एक इकट्ठा करके जिस वार्ड में जिसका कैंडिडेट चुन के आएगा उसको हम टिकट दे रहा है, वहाँ शिवसेना को कितना जाए, राष्ट्रवादी को कितना कैंडिडेट मिल रहा है, कांग्रेस को कितना मिल रहा है ये नहीं देख रहा है, लेकिन जिस वार्ड में जिसका प्राबल्य है, जिसको लोग चाहते हैं, उस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट देना ये हमारा पहला एजेंडा है और ये तीनों पार्टी ने, हमारे मित्र पक्ष ने भी उसको शिक्का मोर्तब किया है, उसको मान्यता दिया है, इसीलिए जो नवी मुंबई के अंदर 111 कॉर्पोरेटर है, जो वार्ड है उसमें से लगभग 80 या 85 तक हमारे कॉर्पोरेटर जीत के आएंगे, इतना हमको विश्वास है। महाविकास आघाड़ी का महापौर उसमें 100% चुन के आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।